पिछली राज्य सरकार की सरस्वती साइकिल योजना का लाभ बलरामपुर के वाड्राफ नगर में पढ़ने वाले छात्राओं को अब तक नहीं मिल सका है, जबकि सरकार की सरस्वती साइकिल योजना के तहत बच्चों को दी जाने वाली साइकिलें रखी धूल खा रही हैं। लेकिन वर्तमान सरकार उसके वितरण पर ध्यान नहीं दे रही है। इधर इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर केवल आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। साइकिल वितरण नहीं किए जाने के मामले में भाजपा के मंडल अध्यक्ष विनोद जायसवाल ने कांग्रेस सरकार पर स्कूली बच्चों की अनदेखी और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी मामले में बीजेपी पर पलटवार किया है। लेकिन छात्राओं को वक्त रहते साइकिल मिल जाए, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हमारे रमन सिंह का सरकार छत्तीसगढ़ में था, हम लोग भरपूर साइकिल भेजे, वो साइकिल आज पड़ा हुआ है। और इस क्षेत्र में कांग्रेस की जो सरकार है, जब इनके वर्कर लोग, इस सरकार के लोग जब इसको वितरण नहीं कर पा रहे हैं, क्या शासन चलाएंगे? हमारे क्षेत्र में आदिवासी लड़कियां स्कूल पैदल आ रही हैं, हमारे सरस्वती साइकिल योजना के तहत उन लड़कियों को साइकिल देना है कि ताकि आसानी से अपने स्कूल में जा सके। जब से सरकार हमारी आई है, हम लोग इसी बात को देख रहे हैं कि साइकिल जो आई है उसकी गुणवत्ता कैसी है, और गुणवत्ता ठीक ठाक न होने की वजह से हमारी सरकार अभी साइकिल को नहीं बांट रही है। और हमारी सरकार गुणवत्ता सुधार करके साइकिल बांटेगी और ज्यादा से ज्यादा साइकिल बांटेगी। इसमें भाजपा के, और आपको बता दें कि सरस्वती साइकिल योजना की द्वारा ये दी जाने वाली साइकिलें थी सभी छात्राओं के लिए, जिससे दूर दराज में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं वो यहाँ पहुंचे और साथ ही साथ स्कूल या फिर अपने अन्य जो दैनिक दिनचर्या के कार्य होते हैं वो कर सकें, उन्हें सहूलियत हो। लेकिन सहूलियत ऐसी, जनता का पैसा यहाँ पर धूल खा रहा है, क्योंकि ये सरकार का पैसा नहीं बल्कि जनता के द्वारा दिया गया पैसा है, जिसके द्वारा इस योजना की साइकिलें खरीदी गई। लेकिन यहाँ पर पुरानी सरकार ने ये योजना थी, लेकिन यहाँ पर उनका पैसा धूल खा रहा है। अधिक जानकारी के साथ सुदीप उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। सुदीप, जिस तरीके से यहाँ देखा जाए, पुरानी सरकार जो थी, पिछली सरकार जो थी, उसने ये साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा, साइकिल छात्राओं को वितरण करने के लिए पहुंचाएं कहीं। लेकिन यहाँ पर आखिर ये जो कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि इनकी गुणवत्ता, साइकिल में कौन सी गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है जिसकी वजह से ये साइकिलें यहाँ पर धूल खा रही हैं? गुणवत्ता की अगर कमी है तो इन्हें जल्दी से जो भी है इनका परीक्षण कराया जाए, उसके बाद इन साइकिलों का वितरण किया जाए। बारिश का मौसम निकलने वाला है, इन साइकिलों का फिर उपयोग क्या रह जाएगा? इस वक्त सबसे ज्यादा इनकी जरूरत होती है। जी दीपक जी, मैं आपको बता दूं, बलरामपुर जिले के वाड़फ नगर विकास खंड में जी सुदीप जी, सुदीप जी जी सुन बारो में जी जी दीपक जी, मैं आपको बता दूं, हमारे विकासखंड वाड़फ नगर में लगभग 87 नग साइकिल रखी हुई है, लेकिन अभी तक छात्राओं को वितरण करने का काम नहीं किया गया है। इस पर पक्ष विपक्ष किया जाना है। सुदीप जी, इन साइकिलों को कितना वक्त हो गया यहाँ पर रखे हुए? लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं। इस शिक्षण सत्र में उन्हें बांटना था, लेकिन इनका वितरण अभी तक शासन स्तर से वितरण करने का कोई निर्देश नहीं आया हुआ है। तो आखिर कब इनकी जांच की जाएगी, कब इन्हें सुधारा जाएगा, उसके बाद बांटा जाएगा? क्या अभी 3-4 साल और लगेंगे कि अगली सरकार या 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तब इन साइकिलों का उपयोग होगा? जी, इस संबंध में हमने शिक्षा अधिकारी से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बताया कि चूंकि शिक्षण सत्र स्टार्ट हो गया है 2018-19-20 का, अब नए सत्र में इसकी तैयारी की जाएगी इन्हें वापस करने की, या नए साइकिलों के वितरण पर चर्चा किया जाना है। चलिए, तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुदीप जी। एक तरफ तो पर्यावरण को बचाने के